Thank you.
पूरे विश्व में 800 से ज्यादा मंदिर हैं, तो
मैं नहीं जानता कि मैं अपने पिछले जन्मों में क्या क्या किया था। अवश्य ही मैं पिछले जन्म में भौतिक व्यक्ति की तरह रहा, तभी मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ा। परंतु आपकी ही कृपा थी कि मुझे भक्तों के बीच जन्म मिला। मैं अभी जिन बच्चों के साथ खेलता हूँ, पढ़ता हूँ, वह सभी राक्षसी परिवार से है। मैं उन सबके बीच में वो इंसान देखता हूँ। हे श्री रघुपाल, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे भी श्री दर्शन में महाप्रभु की फौज में भर्ती करें। हरे कृष्णा। और किसी की भी पिता की संपत्ति किसके लिए होती है? बच्चों के लिए। लेकिन एक चीज करनी पड़ती है बच्चों को कि अपने पिता के प्रति ही समर्पित होना पड़ता है, ये जरूरी है। नहीं तो अगर समर्पण नहीं होगा तो आप संपत्ति लेकर भी उसको संभाल नहीं पाएंगे। संभालने के लिए क्वालिफिकेशन तो चाहिए। हमें भी प्रभुपाद को सरेंडर करना होगा। अभी मैंने सुना, मैं उस बात को रिपीट करता हूं जो भक्तों ने बोला कि आप ये मत सोचिए कि 16 माला करके ही आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। नहीं, आपको गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति, सेवा के प्रति समर्पित होना होगा। इस पावन अवसर पर श्रील प्रभुपाद जी के लिए कुछ ना कुछ ऑफरिंग दे रहे हैं। तो लगभग सभी भक्त जिनको भूख बहुत अच्छी लगी थी, जी चले गए, मुझे मैंने पुष्पांजलि भी करनी है। तो आप लोग बैठे हैं, मीन्स कि आप सब सेटल हो चुके हैं, भूख जो है सारा सरकार से लेंगे। तो बट फिर भी जैसे कि श्री प्रभुपाद जी जब तक इस धराधाम में थे तो एक बड़े पूरा संसार बड़ा सरचार्ज था उनसे जुड़ने वाला। हर व्यक्ति उनको देख कर उनके प्रवचन से, उनके चलने के स्टाइल से, उनके खाने के स्टाइल से, उनके पीने के स्टाइल से तंग पड़ गया, क्योंकि उनके हृदय में साक्षात कृष्ण थे। तो जो भी उनका दर्शन करता था वो तुरंत धन मिल जाता। उनके लिए लोग जीना छोड़ गया, मरने तक के तैयार हो जाते थे ऐसी सेवा करते थे। और श्री प्रभुपाद जी ने बड़ी बड़ी बातें तो की ताकि इस संसार में उनकी पुस्तकें, उनकी बातें जीवन भर चलकर लोगों का मार्गदर्शन करें, और आज भी कर रहे हैं। लेकिन उनकी चार मुख्य शिक्षाएं जो प्रिंसिपल्स थे जिसमें बोलते हैं बुक्स आर द बेसिस, वो पूरी संस्था की जो है बेस है। बहुत उनकी पुस्तकें हैं, पूरी आज बताते हैं 87 लैंग्वेजेस में पूरी तरह से वो तैयार है, पूरी दुनिया का उसका लाभ उठा रही है। और प्रभुपाद जी काम करते थे जो कम्युनिज्म है वो फैला है लिटरेचर से, तो हमारी जो संस्था है वो भी जो पुस्तकों से ही हर जगह पहुँच चुकी हैं, और वो भी जो बहुत बड़ी क्रांति लेकर आएगी पूरे संसार में। तो जिनके घरों में पुस्तकें हैं प्रभुपाद जी की, तो अपना भक्ति का बेस अच्छा बनाने के लिए उसको नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। किसी ने पूछा प्रभुपाद आप पुस्तकें पढ़ने पर बार बार जोर देते हैं, आप इन अपने भक्तों को क्या किताबी कीड़ा बनाओगे? प्रभुपाद ने कहा बनने दो उनको किताबी कीड़ा, अगर किताबी कीड़ा नहीं बनेंगे तो ये अगला जन्म में मन के कीड़े बनेंगे। तो क्या ज्यादा अच्छा है, कहते जी किताबी कीड़ा अच्छा है। इसी तरह दूसरा था बेसिस, और फिर कहा यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, जो भी हमारे पास संसाधन है उनका सबका सदुपयोग होना चाहिए भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। हमारे पास जो भी कुछ है, चाहे अच्छी बुद्धि है, हमारे पास अच्छे स्किल्स हैं, हमारे पास एजुकेशन है, हमारे पास धन है, जो भी संसाधन हमारे पास है उसका इस्तेमाल होना चाहिए कृष्ण चेतना को फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए। गुरुबाज के पास जो था उन्होंने सब कुछ लगा दिया, और इसके लिए गुरुबाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को खड़ा कर दिया। फिर गुरुबाज जी क्या करते थे, प्रिंसिपलिटी इज द फोर्स, हमारी जो शक्ति है आगे बढ़ने के लिए वह है हमारी शुद्धता, कि अगर हम लोग शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से शुद्ध रहेंगे, नियमों का पालन करते रहेंगे और अच्छी साधना रखेंगे। जैसे हम दूसरी संस्थाओं को देखते हैं कि वो बहुत आगे बढ़ रही है, उसके बहुत सारे जो है फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन जो इस्कॉन संस्था कर रही है एक अच्छी स्ट्रांग मॉर्निंग साधना के साथ, जैसे वृंदावन में आप जाएं तो 5,000 मंदिर मिलेंगे, और बड़े नए नए मंदिर बन रहे हैं आजकल दुनिया, वहाँ पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक दिखाई देती है, बहुत भीड़ रहती है, दूर दूर से ट्रैक्टर्स पर बैठकर लोग आते हैं। लेकिन इस्कॉन की कमाई क्या है, इस्कॉन की कमाई सुबह 4 बजे
आप देखेंगे 4-4:30 रास्ते ही गली गली से लोग निकल कर आना शुरू होते हैं, हाथ में माला लेकर भारी भरकम भीड़ से जो है इस्कॉन मंदिर की तरफ जाते हैं। ये है हमारे कमाई। और जो ये साधना जो प्योरिटी है वही हमारी शक्ति है। इसलिए हमारा एक एक घर, चाहे वो छोटा बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो एक स्त्री क्यों ना हो, चाहे कोई वृद्ध व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो पुरुष क्यों ना हो, किसी भी स्तर पर वो काम करने वाला बिजनेसमैन हो, वो शिला प्रभुपाद जी का रिप्रेजेंटेटिव है। जिस भी जगह वो जाता है अपनी पवित्रता से हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। लोग पूछते हैं ये कौन है, कहाँ जाते हैं, क्या इनकी संस्था है, कौन इनके गुरु है। तो हम लोग उस समय से ना फूल जाते हैं कि यस, हमारे व्यवहार से अगर किसी को बदल पा रहे हैं, हमारे प्रचार से किसी को बदल पा रहे हैं, तो नाम हमारे प्रभुपाद जी का होगा। तो इसलिए जो हमारी संस्था के लोग हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति है, जिसने भी नाम जब शुरू कर दिया, नियमों का पालन शुरू कर दिया, वो एक प्रचारक है और वो दुनिया में चेंज ला सकता है। तो सभी लोग प्रचारक हैं संस्था में। तो यही प्योरिटी हमारी है, इसकी शक्ति है। और आखिरी सिद्धांत था जो बताते हैं प्रीचिंग इज द एसेंस, और वो यही है कि हमारे को अगर प्योरिटी है तो उसको हम लोग जन जन तक पहुँचाएं, जिससे प्रभुपाद जी घर घर तक पहुँचें। और उसका लाभ ये होगा कि जितने अधिक लोग भक्त बनेंगे, जहाँ पर विनम्रता है, जहाँ पर सहनशीलता है, ह्यूमिलिटी है, रिस्पेक्ट है, ऑनेस्टी है, ऐसे वातावरण में ही लोग जीना चाहते हैं, सांस लेना चाहते हैं, ना कि उस वातावरण में जहाँ पर धोखा है, गद्दारी है, लड़ाई है, झगड़ा है। तो हमें ऐसा वातावरण तैयार करना है, ऐसे लोगों का वातावरण तैयार करना है जहाँ पर इन गुणों के साथ लोग रहते हैं, आखिरकार वहीं पर लोग खुश रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ने 4 सिद्धांत दिए, सदैव याद रहने चाहिए, इन पर काम करना चाहिए ताकि हम इस्कॉन संस्था को और मजबूत कर सके 10,000 सालों में। हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद जी। स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातम् सहगण रघुनाथान्वितम् तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने शिवाशभानवे देवे दयिताय कृपार्थये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधरुज्वल प्रेमाद्य स्वरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विकलंबर सांबोधे पादां ध्वजाय ते नमः नमो
सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौर विर्भावं भूमस्त्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः चैतन्य गौरतुषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते श्वेतां सुरतो पंगो। दूसरे भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था हमारे स्टेज में की गई है, आप सब लोग वहाँ पे जाके प्रसाद ग्रहण कीजिए। धन्यवाद। हरे